अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह जी। मेरा नाम है डॉक्टर नदीम और मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नदीम फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे विटामिन्स जो हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहले हमने बात की थी एक वीडियो में परफेक्टल, लेकिन जो हेयर फॉल है वो अनिमिया की वजह से भी होता है, जिसमें कहते हैं कि आपने खून की कमी हो गई है या आयरन डेफिशेंसी हो गई है, उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है जी। और ये ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए कि उनमें खून की कमी ज़्यादा होती रहती है माहवारी की वजह से, तो उनमें हेयर फॉल का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके लिए कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमें सस्ते भी पड़ते हैं इधर सऊदीया में, दुबई मस्कत में, और हमें आराम से मिल भी जाते हैं और अच्छे भी हैं। ठीक है जी। तो उसमें जो सबसे अच्छे विटामिन हैं वो ये हैं जी, यह फीरोग्लोबिन। फीरोग्लोबिन ये वीटा बायोटिक्स के कंपनी के, इंग्लैंड की कंपनी है। ये 21 रियाल की आती है जी। इसमें 30 कैप्सूल होते हैं, एक महीने के लिए काफ़ी है जी। हाँ जी, अगर मैं आप में खून की कमी है, ठीक है जी, अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो आपका रंग वैसे ही पीला हो जाएगा और थकावट रहती है बंदे को, और जी आपके बाल जो हैं वो बहुत झड़ते हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन अभी आपको बताइए जो वो फीरोग्लोबिन है, ये इसमें जो सारे मल्टीविटामिन, 5-6 मल्टीविटामिन हैं, वो सारे खून की कमी के लिए होते हैं। ठीक है जी। खून की कमी जब होगी तो क्या होगा कि आपकी जो खुराक है वो आपके हेयर फॉलिकल तक नहीं पहुँचती, तो उनकी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है जी आयरन है, आयरन है, साथ में फोलिक एसिड है, और साथ में विटामिन B12 है, B6 है, B1 है। ठीक है जी। जैसे सारे विटामिन है, आयरन है, B6 है, फोलिक एसिड है, इनका काम क्या होता है जी? ये सारे जो होते हैं ये आपके रेड ब्लड सेल, जिसे रेड खून कहते हैं, खून के खुलिए कहते हैं, ये उनको बनाने में मदद देते हैं। वो खून के खुलिए क्या करते हैं, वो आपकी ऑक्सीजन को आपके सारे जिस्म में पहुँचाते हैं। इसका मतलब है कि वो खुराक लेके जाते हैं। ठीक है जी। तो वो यही काम करते हैं कि आपके जो हेयर फॉलिकल है वो वहाँ तक खुराक लेके जाते हैं। ठीक है। जब इसकी कमी होगी तो क्या होगा, आपके हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वहाँ पे केराटिन प्रोटीन नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आपके जो हेयर फॉल होगा, आपके बाल गिरेंगे। दूसरे नंबर पर आपके जो बाल हैं वो ज़्यादा वाइट होंगे। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज़ें, दूसरे नंबर पे इसमें जिंक है जी, वो 12 मिलीग्राम है, वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ है उसकी। जिंक क्या करता है, जिंक आपके बालों की को पकड़ के रखता है, यानी मजबूत करता है, आपके जो हेयर फॉलिकल है उनको मजबूत करता है, उनको स्ट्रेंथिंग करता है। ठीक है। चौथे नंबर पे इसमें जनाब कॉपर है, कॉपर भी है इसमें। कॉपर का क्या काम है, कॉपर की जब कमी हो जाए तो आपका रंग पीला हो जाता है जनाब। ठीक है। जब कॉपर की कमी होती है तो वो आपके जो बाल हैं उसको ग्रे होने में, ठीक है, ज़्यादा होते हैं। जब आप कॉपर की कमी हो तो उसके आपके जो बाल हैं वो ग्रे हो जाते हैं, यानी वाइट हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आयोडीन है, आयोडीन क्या करती है जी, आयोडीन आपके जो थायराइड ग्लैंड है या थायराइड हार्मोन है उनके लिए बहुत मददगार है। ठीक है। जब थायराइड की कमी होगी, थायराइड हार्मोन की कमी होगी, तो आपके जो बाल हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, उन खुराक नहीं पहुंचेगी, वो भी ग्रे होंगे और बालों का जड़ना का सबब बनेंगे। ठीक है जी। ये जी सारे विटामिन है, इसमें जिंक है, आयरन है, फोलिक एसिड है, कॉपर है, आयोडीन है। ठीक है। ये सारे विटामिन जो है ये आपकी एनीमिया के लिए, आपकी खून की कमी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिन मर्दों में भी खून की कमी है, जो उनका होता है HB लेवल अगर 10-11 है, तो उनको भी ये इस्तेमाल करनी चाहिए, 3 महीने कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। रोज़ का एक कैप्सूल ले लें। ठीक है जी। नाश्ते के बाद, ये खाली पेट नहीं लेना, नाश्ते के बाद लेना है। जो विटामिन मैं पहले भी कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो सबसे अच्छा टाइम होता है, वो आपका नाश्ते के बाद होता है। आपने उसको दोपहर या रात तक लेके नहीं जाना, आपने उसको दिन में इस्तेमाल करना है, और जब मैदा फुल हो तब करना है। ठीक है जी। ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए आपके मैदे में कोई दर्द वगैरह ना हो, या फिर आपको कोई जो मतली है वो वगैरह ना हो।
तो अगर किसी भाई को किसी और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन भाई नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह आपको मल्टीविटामिन और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। जी आप भाइयों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।